is so fun. I like it. Want to go as high as you possibly can? No. Okay, this is good enough. Is this good? Just stop touching it. Put your legs up. Put your legs up. Out. And see what Fawn's doing. See what Fawn's doing. Do that with your feet. Do that with your feet. Like, put them like your body. Like, do this. Do this. Do this. Straight left. How many fingers am I looking? No, he can't see. Okay. Okay. Spin. One. How many times? You had, don't touch it. You have to tell him. Okay. Do you spin? Spin. Bas bada gaya na. Bahut ho gaya bechara. Straight. Right. She said right. Right. That's left. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तो इसलिए तो वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, आज हम पहले बच्चों को लेके गए थे पार्क, वो आपने देखा ही होना है। तो उसकी मैंने कहा आप ओरिजिनल वॉइस सुन लें, जो जो बच्चे पार्क में करे थे, क्या खेले थे वो। तो ये इधर ये मरियम चला रही है ये, तो देख लीजिए। ये हमारे खजूरों में पड़ गई सुंडियाँ, छोटी छोटियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ सुंडियाँ। तो मैं कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ ना कैसी होती हैं सुंडियाँ। ये देखें जी, वाइट वाइट जो नज़र आ रही है ना, चल रही है। सारा छापर भरा हुआ था, पर मैंने फिर जल्दी जल्दी ना थोड़ी बना ली। बाकी तो बस आप हर किसी के अंदर अंदर ही है, तो आप सब भी खजूरें खाएं तो देख के ही खाइएगा, कहीं सुंडी ना खा जाए। तो वो इसके साथ ही मैंने पहले तो बच्चों को पार्क ले गए थे नाश्ता करके, पराठे और अंडे आपने देखे होने हैं। उसके बाद बच्चों को पार्क ले गए थे कि बहुत अच्छा मौसम था। तो उसके बाद फिर घर आके मैंने सफाई की है, माप मारा है पीछे, तो आपने देखा होना है कि बड़ा सफाई की है। फर्श सारा गंदा था, टाइलें वगैरह। तो वो फिर खजूरों की वीडियो बनाई, तो उसके बाद वो चीज़ स्टिक बनानी थी। तो ये हमारे पास वैसे तो बीफ का बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो जो बीफ के पीस होते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं थे तो मैंने बीफ का कीमा ही ले लिया है। तो इसके अंदर बस नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च, वो जो है पीछे कुटी हुई, आप अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिएगा, मैंने थोड़ी थोड़ी डाली है। तो ये तीन चीज़ें बस जानी है। तो सबसे जो अच्छा होता है ना, फिर वो बीफ का होता है पीस का, छोटे छोटे पीस करके ना, जैसे पतले पतले अंडर कट का ज़्यादा अच्छा होता है हिस्सा जो है ना बीफ का वो। और इसके अंदर और भी बड़ा कुछ लग जाता है, पर मेरे हमारे घर में जिसने खानी थी बच्चों ने, तो उन्होंने मायनीज भी नहीं लगाने दिया, ये हेलोपीनो पेपर है वो भी नहीं लगाने दी। पर अगर लगा लें तो ज़्यादा टेस्टी होता है। एक दो और चीज़ होती है येलो, मेरे पास नहीं थी वो, और ना कोई गाड़ी थी उस वक्त कि मैं ले जाती, तो मैंने ये जो है ना पिज़्ज़े वाली मसरोला लगा लिया चीज़। एक वो येलो कलर की होती है, वो सबसे उसका जो ज़्यादा आपने टेस्ट लेना है ना, तो वो येलो चीज़ लगा लें,
और पता नहीं उसका नाम क्या है, तो जब मुझे नाम पता चलेगा वो अब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरे पास जो घर में चीज़ें थी मैंने उससे ही बना ली है। तो ये पहले मैंने मशीन साफ़ की है, वो गर्म होकर सड़ सड़ गई थी तो इसलिए। तो ये देखे उसके ये कीमे की तैयारी कर रही हूँ। पहले मतलब ज़्यादा देर पकाना भी नहीं है, तेज़ आग में बस भून लें। साथ मैंने थोड़े फ्राइज़ बना लिए थे, वो भी मेरा फ्राई करने को दिल नहीं था करा तो मैंने मशीन में एयर फ्रायर में बना लिए। कीमे को भून के तो फिर ये थोड़ा मैदा लिया 2 चम्मच, उसको जैसे नहीं वाइट सॉस बनाते वो बना लिए कि ज़रा कीमा ना जुड़ जाए आपस में, ये ना है कि पता है लैदा लैदा हो जाता है, नीचे नीचे गिर जाता है उसके अंदर से। तो बस इसलिए मैंने कीमे में ये बना ली थी सॉस। तो एक हाथ में मेरा कैमरा था तो मेरे से सही तरह मिक्स भी नहीं था हो रहा, तो फिर मैंने थोड़ा बंद करके ना तो उसके अंदर फिर दूध डाल के उसकी गुठलियाँ सही की हैं, तो इसलिए ये थोड़ी गुठलियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन वो बाद में मैंने ना मिक्स करके सही कर ली थी। तो आप भी ना बनने दीजिएगा गुठलियाँ। तो बस ये इसके अंदर वो कीमा डाल दिया था तो वो फिर हमारी बन गई ये सास, ये तैयार हो गई है। बस 2 चम्मच मैदा हो जाए, जितना आपके पास कीमा हो उतने हिसाब से ले लें। फिर बस हमने कीमे को ही जोड़ना ही है आपस में, ये नहीं कि कोई हमने और इसके मकसद कोई नहीं और। आधा ग्रीन कोई धनिया किसी ने डालना है, सब्ज़ मिर्चें जो भी किसी का दिल करे वो डाल ले, चिकन की बनानी है चिकन की बना लें, जो भी है किसी के पास ना वो ही बना लें। तो बच्चे घर होते हैं तो सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये फिर रोटी सालन भी सारा दिन नहीं खाए जाते हैं, तो बीच में हमने ऐसी छोटी मोटी फिर चीज़ें बच्चों को बना देते हैं, कभी पास्ता हो गया कभी ये हो गया, तो ये हिसाब है। तो ये स्कूल में भी जब बच्चे जाते हैं तो उनके भी लंच बॉक्स में भी बंदा बना के रख सकते हैं, तो ये भी अच्छा रहता है। ये फ्राइज़ मैंने इसी में बस बना दिए थे, फिर मैं कब मशीन फ्राइज़ की निकालूँ फिर तेल डालूँ, तो यही सही है। तो अगर किसी ने ब्रेड टोस्ट करनी हो तो वो उसको पहले ये वाला साइड भी तवे पे कर ले थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा के, पर मैंने कोई नहीं की क्योंकि बच्चों को इतना पता ही नहीं है, मैं कि अंदर ही मशीन में जाके टोस्ट हो जाएगी। जिसने ज़रा क्रिस्पी खानी हो तो ये वाला हिस्सा जो है वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, इसको मक्खन थोड़ा लगा के तवे पे या फ्राई पैन में टोस्ट कर लें तो वो भी और अच्छा फ्लेवर आएगा। आधी मैंने मायनीज लगा के बनाई है और आधी बगैर मायनीज के, किसी को कुछ अच्छा लगता किसी को कुछ नहीं लगता, तो ये भी बड़ा मसला है आजकल। तो फिर ये है बहुत अच्छी बनी थी, तो सब ने मैंने भी एक प्लेट में रख दिया था ट्रे सजा बना के कि सारे आते जाते खा रहे थे। तो ये बस आज का हमारा था, और साथ बनाए थे हमने दाल चावल, वो नहीं मैंने दिखाए हैं क्योंकि वो मेरी भाभी बना रही थी तो मैंने बस अपने पे ही फोकस रखा है ज़्यादा। तो ये जी आप इंजॉय करें इसके साथ चीज़ स्टिक के साथ। जिसके पास ये मशीन नहीं है पनीनी मेकर इसको कहते हैं, तो वो तवे पे रख ले फ्राई पैन पे रख ले, थोड़ा थोड़ा उसको दबा के मतलब के थोड़ा घी लगा ले मक्खन लगा ले। तो वो मेरी तो खुली गई है, फिर मैंने इसको पहले बंद किया, घी लेने गई मैं इतनी दूर, ये देसी घी लगाया है। तो नहीं जिसके पास ये मशीन है तो आप किसी भी मशीन में रख लें, तो वो जो है एक छोटी भी होती है ना उसमें रख लें, नहीं भी है तो फिर भी तवे पे बना लें फ्राई पैन पे बना लें, कोई मसला नहीं है। ये जी हमारे चिप्से भी तैयार हो गई हैं, ये भी हो गया तैयार फ्राइज जिसको कहते हैं ये जी। तो वो मैंने दिखाया था आपको कि ये वाला मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया है, जब डाले ना फ्राइज तो फिर थोड़ा ऑयल भी तो चाहिए होता है ना, ये मैंने इसके अंदर पहले स्प्रे किया था, उसको थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च लगाई थी फ्राइज को, तो ये फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए। इधर हमारे घर ज़्यादा येलो प्याज ही यूज़ होते हैं, बाहर के मुल्कों में तो हम थोड़े रेड भी ले जाते हैं, देखे पीछे ये मतलब के सलाद वगैरह के लिए। चलो जी एक दो बार गिर गया, चलो कोई गल नहीं, इतनी तो बार होता है ना फिर बड़े बड़े शहरों में। तो ये जी आज आप इंजॉय करें इसके साथ।
पार्क भी हमारे घर के नज़दीक ही है, 5 मिनट भी नहीं लगते गाड़ी में तो चले जाते हैं उधर, इसलिए बच्चे फिर कहते हैं कि चलो ले जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, नहीं तो गर्मी तो बहुत ही, तो दिल भी नहीं था करता, लेकिन उस दिन बहुत अच्छा था तो हमने कहा चलो नाश्ता करके तो चले जाते हैं। तो चले जाते हैं अक्सर जब हमारा दिल करे ना, ले जाते हैं फिर बच्चों को। तो ये जी है, इसका टाइम अपने हिसाब से सेट कर ले। मैंने तो इतना रखा था ऊपर फ्राइज़ की बना होता है कि इस फ्राइज़ की शक्ल, चिकन की शक्ल, तो मैंने फ्राइज़ की बना ली। लो जी चलो जी, फिर कीमा आ गया, मुझे लगता है थोड़ा और हमने बनाना पड़ गया था ना, तो इसलिए फिर वो भी साथ मैंने लगा दी है कि चलो कोई गल नहीं। साथ दही बनाया है, दही जमाया है मैंने, साथ दूध रखा था उबलने, तो अब ठंडा होएगा तो इसको फिर जाग लगाएंगे, तो फिर भाई सुबह फिर खाएंगे आलू की रोटियां या मूली की, या तो यह हमारी चीज़ ठीक है इसके अंदर। ओके जी, फिर खुदा हाफिज़।